14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति की धूम रही है। इंदौर के तिलक नगर स्थित बंसधरा अपार्टमेंट में भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष जिनेश झांझरी और प्रदेश महासचिव कपिल सिसोदिया द्वारा छोटे बच्चों के साथ साथ आम जनता को पतंग का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र रहवासी मौजूद रहे। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष और समाज सेवी जिनेश झांझरी ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से अपनी टीम के साथ मकर संक्रांति पर शहर में पतंग वितरण का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के महासचिव कपिल सिसोदिया ने कहा कि भाजपा द्वारा हिंदू धार्मिक त्योहारों पर अपना अधिकार जमाया जाता है, लेकिन हमारे देश में सभी को अधिकार है कि वह हर त्योहार मनाए, इसलिए हम कई वर्षों से पतंग वितरण का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है मकर संक्रांति, और जिस प्रकार से बीजेपी चाहती थी कि सारे हिंदू त्यौहार हमारे हों, तो ये संभव नहीं है। ये सभी के त्यौहार हैं, पूरे भारतवासियों के। तो इसमें कांग्रेस भी अपनी संलिप्तता बताई जा रही है, और जिस प्रकार से जिनेश भाई के द्वारा आज पतंग वितरण किया गया है, उसी प्रकार बसंत पंचमी में प्रसाद वितरण किया गया है। हिंदुओं का जो त्यौहार जिनेश भाई के द्वारा हमेशा निभाया जाता है, और वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में हर बार एक बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जिनेश भाई के। विगत 3-4 सालों से सतत एक ही उद्देश्य पतंग बांटने का, कि जिस प्रकार से पतंग हवा के अंदर ऊंचाइयां भरती है, सभी के जीवन के अंदर ऊंचाइयां भरी रहे, सभी के जीवन में ऊंचाइयों को छूते रहें और हरियाली छाई रहे। जिस प्रकार से पतंग रंग बिरंगी होती है, सभी के जीवन रंग बिरंगा हो, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं आवे। वर्तमान समय में जिस प्रकार से हम पिछले 2 सालों से कई कोरोना बीमारी, ओमिक्रोन बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से जिस प्रकार से आम नागरिक परेशान है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के त्यौहार, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति इन त्यौहारों के माध्यम से इन दुखों को, इन दर्दों को कम करने की कोशिश करते हैं।